आज ग्वार गम के अंदर भी 4.5% का लोअर सर्किट लग चुका है। कल भी हमने ग्वार की कीमतों में निचला सर्किट लगता हुआ देखा था। और बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड के अक्टूबर वायदा 6144 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। और देख रहे हैं कि इस वक्त ग्वार सीड के जो अक्टूबर वायदा है उसके अंदर 3.5% का निचला सर्किट लग चुका है। हम देख रहे हैं कि बीते सत्र की तरह आज के शाम के कारोबारी सत्र में भी ग्वार सीड और ग्वार गम की जो कीमतें हैं उनमें आज एक निचला सर्किट यानी लोअर सर्किट से लगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ग्वार की कीमतों में वायदा बाजारों के अंदर ये जो उठापटक का माहौल है जारी रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से इस साल ग्वार का प्रोडक्शन कम देखने को मिला है, बारिश कम हुई है, बुआई कम हुई है, प्रोडक्शन कम है और एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी बहुत निकली है, और घरेलू स्तर पर जो फूड इंडस्ट्री की तरफ से जो डिमांड है वो भी हल्की फुल्की देखने को मिली है, इन्हीं सभी सेंटीमेंट्स की वजह से ग्वार की जो कीमतें हैं बीच में उछाल के साथ कारोबार करती हुई नजर आई थी। और उसके बाद फिर हमने ग्वार की कीमतों में एक प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए देखी थी, क्योंकि व्यापारियों को और किसानों को डर था कि कहीं पहले की तरह भी उछाल के बाद ग्वार की कीमतों में एकदम से नरमी ना देखने को मिले, जिसकी वजह से हमने ग्वार की कीमतों में एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन भी आते हुए देखा था। लेकिन फिर वहाँ से एक बार ग्वार की कीमतों में एक बार फिर से निचले स्तर पर खरीदारी निकल के सामने आई है, ग्वार में एक बार फिर से बाइंग देखी जा रही है। आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक ग्वार गम की कीमतों में एक बार फिर से निचले स्तर पर खरीदारी निकल के सामने आ सकती है, फ्रेश बाइंग निकल सकती है जो ग्वार की कीमतों को 11600 के भी पार लेके जा सकती है, जो हमने पहले के हाइस लगते हुए देखे थे कुछ समय पहले। और अमित सजेजा के मुताबिक ग्वार गम की कीमतों में 12,100-12,200 तक की भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। यहीं से ग्वार सीड की बात करें तो अमित सजेजा के मुताबिक ग्वार सीड की कीमतों में 7,100 से लेकर 7,200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो उनके मुताबिक ग्वार की कीमतों में अभी तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है।